4.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसके जैसा, ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पर रूट है। देखो जो डिनो ऊपर हमेशा 1/1 रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, और नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकंड में रूट नहीं होता था, थर्ड के अंदर रूट है। अब रूट है तो क्या करना है, देखो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर है उसके ऊपर ध्यान दो, जो एक्स स्क्वायर है उसके पहले यहाँ 3 है, तो करना क्या है यहाँ पर 3 कॉमन ले लेना इस सेकेंड क्वेश्चन में। 3 कॉमन लेंगे रूट के बाहर आके 1/√3 हो जाएगा, जैसे 3 कॉमन लोगे यहाँ पर 5/3 और 7/3 हो जाएगा। फिर इसको थर्ड टर्म वाला कंसेप्ट करके आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में लाओगे। सेम क्वेश्चन 6 वाला है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म वो लास्ट में दिया है और जो एक्स है और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म पहले दिया है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हम लोग, ये कैसे होगा देखो, आई इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर दोनों में डिफरेंस मैंने बताया कि ये एक्स स्क्वायर से पहले स्टार्ट था, यहाँ एक्स स्क्वायर लास्ट में, कॉन्स्टेंट पहले, यहाँ कॉन्स्टेंट लास्ट में था। तो इसको तो सिंपली कर ही लोगे, इसको भी ऐसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप्स में चेंजेस क्या आएंगे वो देख लो। ये 1/1 है ऑलरेडी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 3 था, हमने 3 कॉमन लिया था, एक्स स्क्वायर के साथ 4 है तो आप 4 कॉमन ले लो। ये 4 जो कॉमन हो के रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 1/2 हमने ले लिया कॉमन, होगा क्या ये रूट 15, यहाँ तो कॉमन लिया था 4 तो 15/4 हो जाएगा, और 4x से 4 कॉमन लिया तो ओनली x आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर आ गया, तो हमने अभी तक कॉमन ले लिया। अभी अब क्या करना है, थर्ड टर्म जैसे फाइंड करते हो, जो x होता है x के साथ क्या है 1, उसमें आप क्या करते हो हाफ से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करते हो। ये थर्ड टर्म निकालने का तरीका है रफ वर्क, क्या है हाफ से मल्टीप्लाई करना x के कोएफिशिएंट को और स्क्वायर करना, हाफ इंटू 1, हाफ का स्क्वायर 1/4, i इज इक्वल टू हाफ। अब ये देखो ये जो है 1/4, यहाँ पर हम कैसे करेंगे रूट, ये जो 15/4 है इसमें 1/4 ऐड करते और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते, -1/4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। क्या किया हमने, ये जो पहला कांस्टेंट था उसमें 1/4 ऐड किया, दूसरे में सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस कॉमन लेने वाले हम, सो ये हाफ जो है इसको बाहर रखो जैसा वैसा, और ये हो जाएगा 1/1। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 15 + 1 16/4 यानी ये रूट पहले कर देते इस तरह से, रूट 15 + 1 16/4, 4 से 16 कट होगा, 4 आ गया, और यहाँ पर इसको एक साथ हमने किया, और ये जो यहाँ से माइनस कॉमन लेते तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस हो तो प्लस हो गया, प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, और -1/4/4 है तो 1/4 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है इसको, और आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर करता हूँ मैं ध्यान से देखो, ये आई इज इक्वल टू 1/2 है इंटीग्रेशन। अब इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं, रूट यहाँ 4 का रूट 2 मत लेना, बिकॉज 4 के साथ ये माइनस में सब है, तो जब तक ये है तब तक ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर रूट सिर्फ 4 का नहीं ले सकते, तो ये रूट में 4 है माइनस, अब ये क्या है देखो x माइनस, ये किसका स्क्वायर है 1/2 का, तो x माइनस 1/2 द होल स्क्वायर है, और ये 4 जो है इसको क्या कर दोगे 2 का स्क्वायर कर दोगे, 2² 4 होता है, और यहाँ पर dx ये 1/ इतना आ गया। तो अब ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया 1/√a² - x² तो हम अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 साइन इनवर्स x बाय a, उसमें 1/2 a भी नहीं आता था, ये 1/2 कांस्टेंट बाहर है, 1/√a² - x² का फॉर्मूला था साइन इनवर्स x/a। तो अभी x क्या है देखो, x माइनस हाफ है और अपॉन a क्या है 2 है, तो ये इस तरह से हो गया। इधर जैसे टैन इनवर्स वगैरह आता था फॉर्मूले में तो 1/a भी लेते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं, सिर्फ साइन इनवर्स x/a + c। अब होगा क्या देखो, i इज इक्वल टू 1/2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या होगा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × x - 2 2 और अपॉन 2 मतलब 4 हो गया, 2x - 1 आएगा यहाँ पर, 2x - 1 / 2 और 2 4 हो गया इस तरह से प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया इंटीग्रेशन का, इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सेकंड डिस्कस किया, 6th वाला किया, थर्ड वाले क्वेश्चन में जो 6th हमने किया ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 इतने सारे सब क्वेश्चन है, सब सॉल्व करो। नेक्स्ट हम लोग 4th क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं हम लोग, जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ये जो 4th क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डिपेंड है, यहाँ पर कैसे करेंगे देखो, जैसे कि आपको पता है ये जो हम लोग टाइप सीख रहे हैं 4.4 का, इसमें हमेशा ऊपर 1/1 आना चाहिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग दिया हुआ है, एक तो x दिया हुआ ऊपर 1 के बदले,
और यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है यहाँ एक्स स्क्वायर आना चाहिए एक्स स्क्वायर और यहाँ सिर्फ एक्स आना चाहिए, बट उसके बदले एक्स रेज़ टू 4 दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करके हम पहले फॉर्मेट में लाएंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या करते जो एक्स स्क्वायर है उसको टी सब्सटीट्यूट कर दे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो होगा क्या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx हो जाएगा और t का dt हो जाएगा। ऐसा करने से क्या हो गया देखो x dx हो गया, ये 2 यहाँ आया तो dt अपॉन 2 जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, i इज इक्वल टू अपॉन में ये जो 4 था 4 x रेस टू 4 था तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये t स्क्वायर आ गया माइनस 2, ये जो एक्स स्क्वायर था वो t हो गया और माइनस 3 हो गया क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इन द फॉर्म ऑफ t। ऊपर जो x dx था ये जो x dx है दैट इज dt बाई 2, तो यहाँ 1 ले लो, ये जो x dx है साइड में लेके यहाँ 1 लिया और जो dx था x dx ये दोनों को dt अपॉन 2, तो यहाँ dt लेते और जो अपॉन 2 था उसको यहीं पर रख दो और बाद में बाहर ले लो। कैसे होगा आगे देखो, ये हमारा क्वेश्चन पहले जैसा आ गया जो हम पहले कर रहे थे, यहाँ पर dx को भी चेंज कर दिया हमने और जो x वाला वेरिएबल था वो t में चेंज हो गया। अब हर बार की तरह करोगे, यहाँ नीचे से 4 कॉमन लेना है, स्क्वायर रूट तो है नहीं, डायरेक्ट 4 कॉमन आएगा 1/4 और ये जो 2 है वो यहाँ पर इंटू 2 कर दो, ये 2 भी बाहर आ गया इस तरह से और यहाँ से 4 कॉमन आ गया। अब होगा क्या, 4 कॉमन आ गया टी स्क्वायर, अब ये 2t/4 तो ये 1/2 हो जाएगा t और ये -3/4 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे ध्यान से देखो, आपको हमेशा की तरह पता है थर्ड टर्म निकालना, t के साथ जो हाफ है उसमें हाफ का हमेशा हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ जो भी होगा उसमें और स्क्वायर कर दे तो ये होगा 1/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 स्क्वायर यानी 1/16, हमें ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। 1/8 बाहर आ गया 4 2 ज़ा 1/ ये जो टी स्क्वायर है -1/2t है, यहाँ पर हम 1/16 जो है वो ऐड करने वाले हैं एंड यहाँ जो -3/4 में 1/16 सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सिंप्लीफाई कर रहे हैं आगे क्या होगा देखो, i इज इक्वल टू 1/8 ये आ गया इंटीग्रेशन, ये जो देख रहे हो यहाँ पर तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/ ये फॉर्मूला है t माइनस और ये 1/16 1/4 का स्क्वायर है तो 1/4 द होल स्क्वायर, इसको हमने क्या किया a माइनस बी द होल स्क्वायर लिख दिया। फिर ये क्या होगा देखो, ये 16 है क्रॉस मल्टीप्लाई या LCM करोगे तो ये 16 नीचे है, 4 4 16 होता है तो 4 3 12 और ये माइनस है और -1 ये -13/16 आ जाएगा यहाँ पर -13/16, ये LCM मेथड से किया है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल करोगे तो भी यही आएगा। तो आगे देखते अभी इसको कैसे करना है देखो, यहाँ पर dt हर बार है, i इज इक्वल टू 1/8 यहाँ 1 है t -1/4 द होल स्क्वायर और इसको करेंगे तो √13/16 किसका होता है 4 और स्क्वायर करना, स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं हम, 13 किसका 13 का स्क्वायर √13 16 का 4 और पूरे का स्क्वायर। अब ये हमें फॉर्मूला मिल गया 1/x² - a² तो ऐसा जब भी होगा वो तो हम क्या करते देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं फॉर्मूला डायरेक्ट 1/8 लिखने के बाद यहाँ पर हम ये 1/x² - a² इसका फॉर्मूला क्या था देखो 1/2a 1/2 into a a मतलब क्या √13/4 1/2a log फिर देखो ये x² - a² था इसको क्या करते थे कि ये जो x माइनस a ऊपर ही रहेगा यानी t -1/4 और -√13/4 ये ऊपर आता था अपॉन में क्या होता था इन दोनों को प्लस करके लिखते थे t -1/4 +√13/4 और यहाँ पर प्लस c ऐसे करते थे, ये इसका फॉर्मूला था देखो x² - a² अगर a² - x² होगा तो भी यही करते थे 1/2a log, अब a माइनस एक्स जो था वो नीचे लेते थे और a प्लस एक्स ऊपर लेते थे, याद रखो खाली यहाँ पर प्लस होगा तो फिर अलग आता था, x² + a² होगा तो अलग आता था। अब आगे देखते हैं इसको देखो, ये यहाँ पर ये 2 से 4 कैंसिल 2 2 ज़ा 4 और ये 2 ऊपर जाएगा उससे हम 8 को कैंसिल कर सकते हैं 2 4 ज़ा 8 तो i इज इक्वल टू आ गया 1/4√13 ये आ गया, फिर यहाँ पर log है सिंप्लीफाई करते यहाँ सबसे में ना 4 से मल्टीप्लाई करने का ऐसे क्वेश्चन में से अपॉन में 4 है 4 से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 4t - 1 - √13 अपॉन यहाँ 4 से किया था 4t - 1 + √13 प्लस c। अब जो t है देखो यहाँ क्वेश्चन में हमने t को क्या किया था t वॉज x square
तो इसको चेंज करके चेंज कर दो या रिप्लेस कर दो, 4√13 लॉग, जहाँ पे टी है उधर एक्स स्क्वायर करना, 4x² माइनस 1 माइनस रूट 13, 4x² माइनस 1 प्लस रूट 13। तो इस तरह से हम इसको कर रहे हैं चेंज। अब ये जो सिंप्लीफाई हो गया, जितना भी हो सिंप्लीफाई करना, अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया है टी किसी को तो उसको वापस यही सब्स्टिट्यूट करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने फर्स्ट बताया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, कोई लॉगरिथमिक क्वेश्चन है, कोई एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है, तो सब में याद रखना ऊपर 1 आना चाहिए। अगर ऊपर 1 नहीं है इस तरह से, तो आप इस तरह से सब्स्टिट्यूट करोगे जैसे हमने किया, और देखोगे कि किसका डेरिवेटिव ऊपर यहाँ वहाँ प्रेजेंट है, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको ही टी करना है। ये कॉपी करो, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही सेकंड भी है सेम, और क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी सिर्फ सॉल्व आप करोगे, बिकॉज सबका टेक्निक सेम है, प्रोसेस सेम है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना स्टार्टिंग में, जैसे कि अभी यहाँ पर देखो x^8 है और यहाँ x³ है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हो, ये ऐसे x³ / ये 16x, ये है ना, तो 4x^4 का स्क्वायर कर सकते हो, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और x^4 का स्क्वायर हो जाएगा x^8, और ये -25 को 5 का स्क्वायर होगा क्या, ये जो x^4 है यहाँ पर देखो x^4 है, इसको टी कंसिडर कर सकते हो। x^4 को टी कंसिडर किया तो ये डेरिवेटिव लोगे तो 4 आगे आ गया, 4x³ dx/dt हो गया, फिर ये 4 इंटू इस साइड आया तो डिवाइड हो गया, x³ dx ये dt/4 है। यहाँ देखो x³ है, ये क्या हो जाएगा x³ dt/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या करना, ये जो x^8 था उसके अंदर x^4 को हम टी लेने वाले थे। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अभी देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, देखो इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ तो 1 ऑलरेडी है फिर भी यहाँ e^-x है, सिंप्लीफाई करोगे ये जो e^-x है ये अपॉन में आके e^+x हो जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा e^x इंटू दिस, सो a² e^x² यानी e^2x हो गया, प्लस b² एंड पूरे के नीचे e^x आएगा, वो ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई होकर e^x आएगा। यहाँ e^2x मतलब क्या था, e^2x द होल स्क्वायर था, ये e^2x। अब यहाँ देखो यहाँ dx आएगा, यहाँ इंटीग्रेशन e^2x से ऊपर भी है, तो e^2x को अगर t रखते हो तो ये हो जाएगा a², ये t² और ये b², e^2x को अगर t करते तो इसका डेरिवेटिव होता है e^2x dx और इसका डेरिवेटिव dt, तो e^2x dx जो है ये dt हो जाएगा, तो ये ऊपर जो है 1 आके यहाँ dt कर सकते हो। तो ये वापस से फॉर्मूला हो गया a² + b² का, सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ क्या सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ देखो अगर ये इंटीग्रेशन यहाँ dx है तो यहाँ log x बार बार दिख रहा है, अगर log x को हम t रख देते हैं तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx और ये dt हो जाता है। तो देखो ये 1/x यहाँ पर है, 1/x और dx है, तो क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा अपॉन, ये x हटा दो, ये हो गया 6 log x यानी t, 6t² प्लस 7 log x यानी t प्लस 2, ये जो 1/x dx था, 1/x dx ये dt साइड में रख दो या 1 कर दो। तो ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, 6 कॉमन लेके फिर आप करोगे। यहाँ भी देखो यहाँ जो साइन इनवर्स x है इसको अगर t रखते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1/√1 − x² यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखोगे cos x ऊपर x है dx इंटीग्रेशन, या नीचे साइन x है, साइन x को t रख दो, साइन x का डेरिवेटिव cos x ऊपर है तो वो 1 आ जाएगा और यहाँ dt आ जाएगा, फिर पहले जैसा ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या करना है, यहाँ पर sec x tan x है 9 − 16 tan²x, अगर tan को t रखते हैं तो tan का डेरिवेटिव sec² होता है, बट यहाँ तो sec x tan x चाहिए, sec x tan x इसका डेरिवेटिव होता है sec x का, तो इसको हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे देखो 9 − 16 जो tan² होता है, देखो 1 + tan² होता है sec²x, तो tan² क्या आएगा, 1 वहाँ गया तो sec²x − 1 हो जाएगा, और ऊपर sec x tan x है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो जो sec है sec x को t रखो, ये t रखोगे तो ये पूरा sec x tan x उसका डेरिवेटिव होता है, ऐसे हो जाएगा 9 − 16 t²−1, ये sec x को t रखा तो उसका स्क्वायर है, और ये sec x tan x dx हो जाएगा, इसका sec x का डेरिवेटिव dt हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9 − −+1 10 हो जाएगा, 10 + 16 t², तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करो।